अगर आप फर्स्ट टाइम एक वाटर प्यूरिफायर खरीदने जा रहे हैं तो सेल्समैन आपसे कुछ ये सवाल जरूर पूछेगा कि आपका बजट क्या है, किस ब्रांड का वाटर प्यूरिफायर लेना चाहेंगे, RO, NF, UF और UV में से कौन से टेक्नोलॉजी वाला वाटर प्यूरिफायर लेना चाहेंगे। तो सेल्समैन के ये सब बातें सुनकर हम और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ और साथ बेस्ट ऑफ बेस्ट वाटर प्यूरिफायर का रिव्यू भी करने जा रहा हूँ, जो लॉन्ग लास्टिंग, अच्छी बिल्ड क्वालिटी, अच्छी वाटर फिल्टर और बिल्कुल सेफ और हेल्दी वाटर प्रोवाइड कराता है। और हमेशा की तरह इन सभी वाटर प्यूरिफायर का लोवेस्ट प्राइस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप बाद में चेकआउट कर सकते हैं। बट ये सात वाटर प्यूरिफायर का रिव्यू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, जिसे आपको बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है, ताकि आप अपने घर के पानी के हिसाब से उस टेक्नोलॉजी वाला वाटर प्यूरिफायर ले सकें। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया में कितना तरह के वाटर प्यूरिफाइंग टेक्नोलॉजी है और ये कैसे वर्क करता है। सो बेसिकली चार तरह के टेक्नोलॉजी आते हैं, जिसमें सबसे पहला है RO। मार्केट में RO से बेटर टेक्नोलॉजी अभी तक कोई आया नहीं है, क्योंकि इसका फिल्ट्रेशन होल 0.0001 माइक्रोन छोटा है। मतलब इसका होल से इतना ज़्यादा छोटा होता है कि पानी बिल्कुल प्योर होकर निकलता है, और ज़्यादा प्योर होने की वजह से डर्टी वाटर तो इसका अलग हो ही जाता है और साथ ही साथ मिनरल्स भी इसका पूरा निकल जाता है। इसी तरह दूसरा टेक्नोलॉजी आता है NF का, जो 0.001 माइक्रोन छोटा होता है, मतलब RO से थोड़ा ज़्यादा बड़ा होल्स इसका होता है, जिससे 60% पानी तो प्योर हो जाता है बट 40% इम्प्योर ही रह जाता है। तीसरा जो टेक्नोलॉजी आता है वो है UF। यह टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करता, क्योंकि इसमें होलो फाइबर मेम्ब्रेन से प्योरिफिकेशन किया जाता है, जो 0.01 माइक्रोन छोटा होल्स होता है, जिससे इम्प्योरिटी भी रिमूव हो जाता है और मिनरल्स भी बच जाता है। बट अगर आपके घर में हार्ड वाटर आता है तो ये टेक्नोलॉजी का आप यूज़ नहीं कर सकते। लास्टली और फोर्थ आता है UV टेक्नोलॉजी। ये एक तरह का चेंबर होता है जिसमें पावरफुल UV लैंप लगा होता है, ताकि जब भी पानी इस चेंबर से क्रॉस करता है तो UV रेस पानी के जर्म्स, बैक्टीरिया और वायरस को पूरी तरह ख़त्म कर देता है और पानी पीने के लिए बिल्कुल सेफ हो जाता है। तो इन सारे टेक्नोलॉजी में से आपको कौन सा वाला वाटर प्यूरिफायर लेना चाहिए? सो सिंपली एक्सप्लेन करूँ तो अगर आपके घर या ऑफिस का जो वाटर TDS लेवल है वो 300 के आसपास है, तो आपको एक UF प्लस UV टेक्नोलॉजी वाला वाटर प्यूरिफायर लेना होगा। बट अगर TDS लेवल 300 के ऊपर है तो फिर आपको RO टेक्नोलॉजी वाला वाटर प्यूरिफायर लेना होगा। अपने घर या ऑफिस के पानी का TDS कैसे पता करें? तो इसके लिए आपको एक TDS मीटर का ज़रूरत पड़ेगा, जो 150 से 300 रुपये के आसपास मिल जाता है। अदरवाइज़ आपके घर के आसपास कोई वाटर प्यूरिफायर का शॉप है तो वहाँ भी अपने घर का पानी का सैंपल ले जाकर TDS चेक करवा सकते हैं। नेक्स्ट, आपको ध्यान में रखना है कि आपको कोई भी वाटर प्यूरिफायर लेने से पहले मार्केटिंग गिमिक से बचना है। मतलब कंपनी अपने प्रोडक्ट के फीचर को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी कंपनी अपने टाइटल में मेंशन करके रखती है कि मेरा जो वाटर प्यूरिफायर है वो RO प्लस, NF प्लस, UF प्लस सभी तरह के टेक्नोलॉजीज में मिल जाता है। बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि RO फिल्ट्रेशन का जो होल्स होता है वो सबसे छोटा होता है, तो जब इससे पानी पास होके प्योर हो ही गया तो इसमें NF और UF फिल्ट्रेशन का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो ये सब बस लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी का यूज़ करती है कंपनी। लास्टली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपको एक वैल्यूएबल ब्रांड का वाटर प्यूरिफायर खरीदना चाहिए, क्योंकि वाटर प्यूरिफायर वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होता। आपको हर 6 से 12 मंथ में फ़िल्टर चेंज या इसका सर्विस करवाना पड़ता है। बट अगर आप एक सस्ता और चीप ब्रांड का वाटर प्यूरिफायर खरीद लेते हैं तो इनके फ़िल्टर्स का क्वालिटी बहुत बेकार मिलता है आपको, और इसे आपको हर 2 महीने में सर्विस करवाना पड़ता है, जिससे आगे चल के ये सस्ता वाटर प्यूरिफायर आपको बहुत महंगा पड़ जाता है। ओके, सो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रख के मैं 7 बेस्ट ऑफ बेस्ट वाटर प्यूरिफायर का रिव्यू करने जा रहा हूँ। बट उससे पहले, आपको वीडियो यहाँ तक थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। ओके, सो मेरे लिस्ट में नंबर 7 पर आता है AOE स्मिथ का X2 वाटर प्यूरिफायर। इस वाटर प्यूरिफायर का डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, जो UV प्लस UF टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसमें टोटल 5 स्टेज प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी मिलता है, जिससे आपको मिनरल्स भी मिल जाता है और कुछ हद तक वाटर प्यूरिफाई भी हो जाता है, जो सूटेबल है 250 से कम TDS वाटर लेवल के लिए। और इसके डिस्प्ले पे आपको सभी तरह के इंडिकेटर भी मिल जाता है, जैसे पावर, टैंक फुल, UV लैम्प फेलियर और फिल्टर चेंज इंडिकेटर भी इंक्लूड है, ताकि आप टाइम पर सर्विस करा सकें। यह प्यूरिफायर 5 लीटर स्टोरेज टैंक कैपेसिटी के साथ आता है, जो सिर्फ स्मॉल फैमिली के लिए सूटेबल है। AOE स्मिथ इस वाटर प्यूरिफायर पर 1 साल की वारंटी देती है, जिसका प्राइस 7 से 8 हज़ार के आसपास मिल जाता है। और इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। सो ओवरऑल ये एक UV प्लस UF वाला मॉडल है, जिसमें आप ज़्यादा फीचर्स और टेक्नोलॉजी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और इस मॉडल का सबसे लोवेस्ट प्राइस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसका ऑफर प्राइस भी जान सकते हैं और इसे परचेज भी कर सकते हैं। ओके, सो मेरे लिस्ट में नंबर 6 पर आता है लिव प्योर बोल्ड कॉपर वाटर प्यूरिफायर।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लीव प्योर एक इंडियन ब्रांड है जो बजट में बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ये हेवी प्लास्टिक का बना है जो काफ़ी स्टडी है, और इसका जो प्यूरिफिकेशन सिस्टम है वो कॉपर का बना है जो कि हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ये प्यूरीफायर 7 लीटर वाटर टैंक के साथ आता है और ये भी एक यूवी प्लस यूएफ वाला मॉडल है, और इसमें भी आपको 5 स्टेज प्यूरिफिकेशन देखने को मिलता है। इसकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी 60 लीटर पर आवर है, जिसे आप 300 TDS तक की पानी को फिल्टर कर सकते हैं। इसमें आपको फिल्ट्रेशन प्रोसेस इंडिकेटर और टैंक फुल इंडिकेटर देखने को मिलता है। लीव प्योर इस वाटर प्यूरीफायर पर 1 साल की वारंटी देती है, जिसका प्राइस लगभग 6 से 8 हज़ार पड़ जाता है। इसका भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे कि अगर आपके घर पे बोरवेल वाटर या टैंकर वाटर आता है तो यूवी प्लस यूएफ वाला मॉडल आपके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रहेगा। सो ये तो कुछ 2 मॉडल्स हो गए यूवी प्लस यूएफ टेक्नोलॉजी वाला। अब बात करते हैं आरओ टेक्नोलॉजी के कुछ मॉडल्स के बारे में। जो मेरे लिस्ट में नंबर 5 पर आता है, एक्वा गार्ड डिलाइट आरओ वाटर प्यूरीफायर। एक्वा गार्ड वाटर प्यूरीफायर में काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है जो रीजनेबल प्राइस में वाटर प्यूरीफायर प्रोवाइड कराता है। सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ब्लैक कलर में इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगता है, और इसका प्लास्टिक मटेरियल भी काफ़ी थीक है। ये प्यूरीफायर 6 लीटर वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ आता है जो 2 से 4 मेंबर के लिए बेस्ट है, बट आपको ज़्यादा कैपेसिटी वाला मॉडल लेना है तो उसके बारे में भी आगे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसमें आपको 7 स्टेज प्योरीफिकेशन मिलता है, इंक्लूडिंग 20 मिनट्स बॉयल वाटर और टेस्ट एडजस्टर, जो सुटेबल है बोरवेल वाटर, टैंकर वाटर और म्यूनसिपल वाटर के लिए। मतलब 2000 TDS तक के पानी को भी ये फिल्टर कर देता है, और साथ ही प्योरीफिकेशन प्रोसेस में 60% पानी वेस्ट होने से भी बचाता है। इसमें टैंकफुल इंडिकेटर और सर्विस ड्यू LED इंडिकेटर देखने को मिलता है, मतलब जब भी कार्टेज रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाता है। एक्वागार्ड इस वाटर प्योरीफायर पर 1 साल की वारंटी देता है, और ये प्योरीफायर लगभग 6,000 से 7,500 के आसपास मिल जाता है। इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके, और इसका भी सबसे लोएस्ट प्राइस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके सर, मेरे लिस्ट में नंबर 4 पर आता है केंट सुप्रीम आरओ वाटर प्योरीफायर। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ये भी प्लास्टिक मटेरियल का बना है जो कि काफ़ी ड्यूरेबल है। ये प्योरीफायर 8 लीटर वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ आता है, और इसमें भी आप मैक्सिमम 2000 के TDS तक के पानी को फिल्टर कर सकते हैं। केंट के इस वाटर प्योरीफायर में आपको आरओ प्लस यूवी प्लस यूएफ प्लस एल्कलाइन प्लस TDS कंट्रोल भी मिल जाता है। एल्कलाइन का बेनिफिट ये है कि ये पानी में जो थोड़ा बहुत एसिडिटी होता है उसको कुछ हद तक कम कर देता है, और TDS कंट्रोल से आप पानी का TDS लेवल आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। ये वाटर प्योरीफायर आपको 13 से 15 हज़ार के आसपास मिल जाएगा, और केंट इस मॉडल पे आपको 1 साल की वारंटी देती है, और 4 साल केंट के तरफ से फ्री सर्विस भी मिलती है, विच इज़ गुड थिंग। इसका भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके, और इसका भी सबसे लोएस्ट प्राइस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके सर, मेरे लिस्ट में नंबर 3 पर आता है वीगार्ड का जेनोरा आरओ वाटर प्योरीफायर। ये वाटर प्योरीफायर 2 कलर्स में अवेलेबल है, जिसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको 8 स्टेज प्योरीफिकेशन मिलता है, जिसके मेम्ब्रेन्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये भी मैक्सिमम 2000 TDS के पानी को प्योर कर सकता है। ये प्योरीफायर 7 लीटर वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ आता है, जो मीडियम फैमिली के लिए एनफ है। इसमें आपको 3 इंडिकेटर भी मिल जाता है, पावर, टैंक फुल और लो वाटर प्रेशर का। वीगार्ड तो अपने वाटर प्यूरीफायर पर अच्छी सर्विस तो देती ही है, और साथ ही इसमें 1 साल की वारंटी मिल जाती है, और 2 प्री फिल्टर फ्री रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। और इतनी अच्छी अच्छी फीचर के साथ इसका प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है, जो 6 से 8 हज़ार के अंदर मिल जाता है। इसके प्रोज एंड कॉन्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इस मॉडल का सबसे लोएस्ट प्राइस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। ओके सर, मेरे लिस्ट में नंबर 2 पर आता है ये भी AO Smith का, बट RO वाटर प्यूरीफायर। ये वाटर प्यूरीफायर 10 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है, जिसमें आपको 8 स्टेज प्योरीफिकेशन देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग SCMT टेक्नोलॉजी, जो कि यूवी प्लस यूएफ से भी बेटर होता है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें भी आप मैक्सिमम 2000 तक के TDS के पानी को फिल्टर कर सकते हैं। इस प्योरीफिकेशन में आपको 2 आउटलेट मिलता है, एक हॉट RO वाटर के लिए, एक नॉर्मल RO वाटर के लिए, और साथ ही इसमें मिनरलाइजर टेक्नोलॉजी भी मिल जाता है, ताकि कुछ हद तक मिनरल्स भी आपको मिल सके। इसके एडवांस रिकवरी टेक्नोलॉजी से काफ़ी पानी वेस्ट होने से भी बचता है। AO Smith इस वाटर प्योरीफायर पर 1 साल की वारंटी देती है, और ये प्योरीफायर आपको 20 से 22 हज़ार के आसपास मिल जाता है। आई नो ये थोड़ा कॉस्टली है, बट अगर आप इसका फीचर्स, टेक्नोलॉजी और बिल्ड क्वालिटी देखो तो अभी तक का सबसे सेफेस्ट वाटर प्योरीफायर है। क्योंकि आप इसका कस्टमर फीडबैक भी देखो तो 2000 से भी ज़्यादा लोगों ने 4.4 स्टार की रेटिंग दी है, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। बट इसमें आपको कुछ कॉन्स भी देखने को मिलता है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इस वाटर प्योरीफायर का भी सबसे लोवेस्ट प्राइस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसे आप बाद में चेकआउट कर सकते हैं। ओके सर, लास्टली मेरे लिस्ट में नंबर 1 पर आता है प्योरिट का कॉपर प्लस मिनरल RO वाटर प्योरीफायर। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वाटर प्योरीफायर।
प्योरीफायर, क्योंकि इसमें कॉपर प्लस मिनरल आरओ कॉम्बिनेशन मिल जाता है विथ 7-स्टेज प्योरीफिकेशन। इसमें कॉपर चार्ज टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है जो आपको कॉपर चार्ज वाटर प्रोवाइड कराता है। मतलब आप ये ऊपर वाला बटन टच करके कॉपर चार्ज आरओ वाटर पी सकते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, और ये नीचे वाला बटन टच करके नॉर्मल आरओ वाटर पी सकते हैं। बट सपोज़ अगर आपके घर पे लाइट नहीं है तो आप इस टैप को भी मैन्युअली यूज़ करके आरओ वाटर पी सकते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन ठीक है, बट इसमें बहुत जल्दी स्क्रैचेस देखने को मिलता है। ये प्योरीफायर 8 लीटर वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ आता है और इसमें भी मैक्सिमम 2000 TDS के पानी को प्योर कर सकते हैं। इसमें आपको कॉपर ऑटो क्लीन फीचर भी मिल जाता है, जिससे ये हमेशा क्रोजन फ्री और फ्रेश वाटर प्रोवाइड कराता है। ऑर्डिनरी वाटर प्योरीफायर में प्योरीफिकेशन के टाइम 3 गुना ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, वहीं ये वाटर प्योरीफायर 1 लीटर में 650 ml वेस्ट पानी निकालता है, जिससे आप बर्तन या क्लॉथ वगैरह भी क्लीन कर सकते हैं। प्योरिटी इस वाटर प्योरीफायर पे 1 साल की वारंटी देती है, जिसका प्राइस 19,000 से 21,000 के आसपास पड़ जाता है। और इसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। और हाँ गाइस, इन सभी वाटर प्योरीफायर का सबसे लोवेस्ट प्राइस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो इन सभी का एक बार ऑफर प्राइस जरूर चेकआउट करें, क्योंकि इन वेबसाइट पे हमेशा काफ़ी अच्छी अच्छी सेल चलती ही रहती है। सो आई होप वाटर प्योरीफायर से रिलेटेड जो भी आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी कोई सवाल या कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इस चैनल पे मैं हमेशा इसी तरह का डिटेल वीडियोस लाता रहता हूँ, तो ऐसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखें, क्योंकि फ्यूचर में हमेशा काम ही आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए नाइस डे।